जिसमें ले रखानी रहीम स्टूडेंट हमारा जो लेक्चर नंबर ट्वेल्व है वो आपके पास टाइप्स ऑफ द फ्रीकुवेंसी कर्व है ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी कर्व है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं फ्रीकुन्सी कर्व्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बहुत सारे uh, काम की चीज़ें पता चलेंगी मैं अभी आपसे डिस्क्राइब करती हूँ कि द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकरिंग इन प्रैक्टिस यूजली बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स है हाउ मेनी टाइप्स वी हैव द फोर टाइप्स कितनी टाइप्स हैं हमारे पास फोर टाइप्स हैं जी जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या आ जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसके साथ शेप बता देती हूं फिर आपको इसके बारे में कुछ लिखवाऊंगी कि हमारे पास क्या होता है आ, हमारे पास जी शेप ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है लाइक like दिस हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू वन होता है एंड म्यू इज इक्वल्स टू जीरो होता है इट्स बिकेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू वन होता है यहाँ कहते हो फ्रीकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व इज सेट टू बी सिमिट्रिकल क्यों इसे सिमेट्रिकल कहते हैं इफ़ द वैल्यूज इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंट्रल मैक्सिमम हैव द सेम फ्रिक्वेंसीज कर्व कैन बी फोल्डेड अलॉन्ग सेंट्रल मैक्सिमम वैल्यू इन टू सेच ऑफ द कर्व कॉन साइड नॉर्मल कर इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिमट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो हम कहते हैं जो सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या होती है बहुत साइड से इक्वल होती है ये टू साइड पर डिवाइड करते हैं इट्स साइड जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट फाइव तभी तो हम कहते हैं कि एरिया अंडर द करव इज इक्वल टू वन होता है एंड दैट इज द सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी अगर हमने मेन डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और अ कर्व इज सेट टू बी सिमेट्रिकल इफ द वैल्यूज इक्विडिस्ट फ्रॉम अ सेंट्रल मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम हैव द सेम फ्रीक्वेंसी वैल्यूज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम हैव द सेम फ्रीक्वेंसीज कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रिकवेंसी से जो आपका इक्विडिस्टेंस है सेंट्रल से वो आपके पास क्या होता है सेम होता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब हमारे पास सेकेंड जो होती है हम कहते हैं जी मॉडरेटली स्क्यूड स्क्यूर या yeah, हम कहते हैं एन एसमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एसमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कहते हैं एनी एनी डिपार्ट एनी हम क्या कहते हैं एनी डिपार्ट्स फ्रॉम सिमिट्री फ्रॉम सिमिट्री ज कॉल्ड एसमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एनी डिपार्ट क्या थोड़ी सी भी दूरीट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से इज कॉल्ड द एसमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कह सकते हैं ये पॉजिटिवली साइड पे या ज्यादा इसका झुकाव होता है या हम कहते हैं नेगेटिवली साइड पर ज्यादा झुकाव होता है तो दैट इज कॉल्ड एसमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉजिटिवली तौर पर ज्यादा वो क्या कहते हैं हमारे पास झुकाव हो ज्यादा होगा या नेगेटिवली साइड पे ज्यादा होगा तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली अच्छा ये हमारे पास क्या होता है जो पॉजिटिव साइड पे होते हैं

डिस्ट्रीब्यूशन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है हम कहते हैं हेयर द फ्रीक्वेंसीज रन अप टू मैक्सिमम एट वन एंड ऑफ द रेंज हैविंग द शेप ऑफ द लेटर जे एंड इट्स रिवर्स मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इकोनॉमिक एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक बिलोंग टू एक्सट्रीमली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन अब जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जब आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके पास बर्ं चुई होती हैं वो आपके पास इकट्ठी होती हैं लाइक द शेप ऑफ़ द जे दैट इज़ कॉल्ड द जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन एक ये होती है जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन और इसके ऑपोजिट भी हो सकती है लाइक दिस जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास नेगेटिवली जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन आ गई यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन अब देखें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ठीक है अब हमारे पास जो फोर्थ है वो आ जाती है यू शेप यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ आपके पास क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो कहाँ बंच आउट होती हैं एज लाइक द शेप ऑफ यू यू शेप uh, में आपके पास वैल्यूज इकट्ठी हुई होती हैं फ्रीक्वेंसीज तो इसको हम कहते हैं यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हो वो यू शेप बनाती हैं दैट इज कॉल्ड द यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं इन सच ऐ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर एट बोथ एंड्स ऑफ द रेंज एंड मिनिमम टूवर्ड्स सेंटर हमारे पास ये क्या होती है यहाँ से मैक्सिमम होती है बोथ साइड से बट आपके पास मिनिमम होती है एट द सेंटर से दैट इज दैट इज मेक द शेप ऑफ द जे शेप एंड वी कैन से टॉपिक तो uh, भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास टाइप ऑफ दीब्यूशन आई हो स्टूडेंट आपको पसंद भी आया होगा समझ में भी आया होगा अगर आपको फिर भी किसी किसम की कंफ्यूजन है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज में याद रखिएगा